प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित के 8वें चैप्टर की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात हम कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट, इन सभी का मान ज्ञात करना सीखेंगे और उन्हें याद करना भी सीखेंगे। तो देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ कि 30 डिग्री कोण पर साइन का मान क्या होता है, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाई है ABC, जिसमें कोण B समकोण है और कोण A देखिए मैंने 30 डिग्री का यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कोण A जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब देखिए कि साइन 30 डिग्री इस त्रिभुज के रेफरेंस में किसके बराबर होगा, BC/AC, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से लंब मापूँ तो ये देखिए 5.8 सेंटीमीटर है, 5.8, और इसका कर्ण अगर मैं मापूँ तो ये है 11.6। तो देखिए, अगर इन दोनों को मैं कट करूँगा तो ये 1/2 यानी 1/2 आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए त्रिभुज थोड़ी हम छोटी या बड़ी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल छोटी कर लेते हैं, तो ABC की बजाय ADE कर देता हूँ मैं, तो त्रिभुज ADE में साइन 30 डिग्री देखिए किसके बराबर होगा, लंब हो जाएगा अब DE और कर्ण हो जाएगा AD। यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं माप के देखूँ तो ये लंब है 4 सेंटीमीटर और कर्ण है यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर, तो 4/8, इस केस में भी कितना आएगा, 1/2। अब अगर हम इस त्रिभुज को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको F और ये G का नाम दे देता हूँ। अब त्रिभुज AFG में साइन 30 किसके बराबर होगा, लंब FG बटे कर्ण AF के बराबर। तो यहाँ FG माप ये कितना होगा, 3 है और AF कितना है, 6 है, तो ये कितना होगा, 3/6। इसी तरह से हम आगे और छोटे त्रिभुज करेंगे तो ये 2 और ये 4 आपको मिलेगा, तो 2/4 वो भी कितना आएगा, 1/2, 3/6 भी कितना होता है, 1/2। तो आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइए और उसमें अगर आप कोण 30 डिग्री लेते हैं तो वो त्रिभुज आप चाहे कितनी बड़ी बनाएं चाहे कितनी ही छोटी बनाएं, साइन 30 का मान हमेशा ही कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। इसलिए हमें ये याद रखना है कि साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री कोण पर साइन का मान हमेशा 1/2 होता है। इसी तरह से जो अभी तक हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उनका मान विशिष्ट कोणों पर, अर्थात हम जो 10वीं क्लास के लेवल पर जो हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की विशेष कोणों के ऊपर किसी विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा ही फिक्स होता है। जैसे साइन 30 का 1/2 फिक्स है, उसी तरह से हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान
एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या है, फिक्स है। तो ये मान जो है हमें याद रखने हैं, और मैं अभी आपको याद रखने की टेक्निक भी यहाँ पर सिखाऊंगा। अब देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट और कोट, इन सभी का मान जो है याद रखना है। याद रखने का के लिए हम एक सारणी तैयार करेंगे। तो वो सारणी तैयार करने का तरीका देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू, अब ये याद रखने के लिए आप लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, फिर इन सभी का रूट। जीरो बटे चार जीरो होता, जीरो का रूट 0। 1/4 का वर्गमूल देखिए कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, और इसको कट कर लीजिए। अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2, यहाँ से देखिए 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, और 4/4 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो साइन 0 की वैल्यू जो आएगी वो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, उसी तरह से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो ये पहली लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। अगर एक लाइन आपने बना ली तो आप सभी बना सकते हैं। देखिए कैसे, कोस के लिए उल्टा लिखना शुरू कर दो, कोस 0 1, यहाँ से जो लास्ट में उसको पहले लिख दें, कोस 60 वर्गमूल 3/2, कोस 45 1/√2 और कोस 60 1/2 और कोस 90 0। तो देखिए इसको अगर लास्ट से लिखना शुरू कर दें, 0 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो ये कोस की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 0। अब टेंजेंट की हम कैसे वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे, कि साइन को कोस से डिवाइड कर दीजिए, टेंजेंट आ जाएगा 0/1 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर लीजिए, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों सेम ही है और एक जैसी चीज़ें डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो √3 आएगा। 1 को 0 से भाग देना अभी तक परिभाषित नहीं है, तो अब देखिए कोसिकेंट क्या होता है, 1/cosec A 1/sin A, तो इसको पलट दीजिए, कोसिकेंट A की वैल्यू आ जाइए, साइन A की वैल्यू को अंश का हर बना दे हर का अंश, तो 0/1 1/0, ये भी परिभाषित नहीं है। इसका देखिए कोसिकेंट 30 2/1, कोसिकेंट 45 √2/1, कोसिकेंट 60 2/√3 और कोसिकेंट 90 1/1 यानी 1 हो जाएगा। सीकेंट के लिए कोस को पलट दो,
कोस की वैल्यूज को पलट दो, अंश का हर हर का अंश, एक बटे एक एक हो गया, और ये 2/√3, ये √2, और ये 2/1, और ये 1/0, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि तो जिसका भी हर जीरो होगा वो चीज़ अभी तक गणित में परिभाषित नहीं है। अब देखिए कोट, कोट होगा टेंजेंट का उल्टा, तो 1/0 ये भी परिभाषित नहीं है, और √3/1 यानी √3 ही हो गया, एक 1/√3, और ये इन्फिनिटी होता वैसे 1/∞ जीरो हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, 2 tan²45° प्लस cos²30° माइनस sin²60°। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि sin²θ को हम sin θ का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह से cos²θ को cos θ स्क्वायर लिख सकते हैं, और इन द सिमिलर वेज tan²θ को tan θ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए कि 2 tan²45 है, तो 2 tan·45 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, और इसका स्क्वायर। इसी तरह से कोस 30 की 30° की वैल्यू होती है √3/2, और इसका स्क्वायर। माइनस साइन 60° की वैल्यू √3/2, और साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये +3/4 है और ये -3/4 है, ये क्या हो जाएगी, 0। तो ये आ जाएगा 2, 2 आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है cos·45° बटे sec·30° प्लस cosec·30°। cos·45° की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√2, और sec·30° की जो वैल्यू है वो होगी 2/√3 प्लस cosec·30° की वैल्यू 2। अब 1/√2 नीचे एलसीएम आ गया √3, 2 + 2√3, ये 1/√2 × √3/2 + 2√3। अब देखिए किसी भी भिन्न के हर में हम वर्गमूल रखना पसंद नहीं करेंगे, इसे हम रेशनलाइज करके हटाना पसंद करेंगे। तो 1/√2 × √3 + 2 + 2√3। अब देखिए वर्गमूल 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, वर्गमूल 2 से गुणा 2 से भाग। इसी तरह से इस वर्गमूल 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस की जगह माइनस 2√3/2 − 2√3, इसको रेशनलाइज कर दिया है, तो इसको आपने 9वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.... रेशनलाइज करना आप 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में सीख चुके हैं, फिर भी अगर भूल गए तो मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ वर्गमूल 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए वर्गमूल 2 से गुणा, वर्गमूल 2 से भाग,
ये इसके हर का रेशनलाइजेशन हो गया, प्रमेयकरण हो गया। इसी तरह से 2 + 2√3 ये हर में है, इसका प्रमेयकरण कैसे करेंगे? जैसे ये प्लस का निशान है, प्लस को माइनस में बदल करके जो एक्सप्रेशन बनेंगे 2 − 2√3 इसी से गुणा रेशे से ही भाग कर दिया है। अब देखिए √3 और √2 की गुणा कितने हो जाएगी, √6। और यहाँ से ये होगा 2 − 2√3। नीचे देखिए √2 और √2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2। और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वेयर − √3 का स्क्वेयर। अब देखिए ऊपर √6 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यह बचेगा 1 − √3 बटे 2, और ये 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 − 2 का स्क्वेयर 4 और √3 का 3, तो 4 × 3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √6 की 1 के साथ गुणा √6, √6 की √3 के साथ गुणा √18, और ये 8 − 12 − 8 आ जाएगा, और अब देखिए ये √6 है और 18 को मैं लिख सकता हूँ, 18 के जैसे जैसे गुणनखंड बनाए 2 * 18 = 3, 3 तीन का जोड़ा बन गया तो 3 पूरा लिख दो, 2 का नहीं बना तो 2 को रूट में लिख दो −8। अब नीचे वाले माइनस को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले फैक्टर को माइनस से गुणा करेंगे तो −1 से गुणा करेंगे तो माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये 3√2 − √6। −1 से ऊपर गुणा, −1 से नीचे करेंगे तो −8 का + 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, शायद आप रूट में थोड़ा सा उलझ गए, इसके दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ कोस 45 की वैल्यू रखी, सिकेंट 30 की रखी, कोस सिकेंट 30 की रखी, फिर ये एक जटिल भिन्न आ गई, इसमें हमने इसको पलट के इसको सोल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हर का प्रमेयकरण कर लिया, प्रमेयकरण करके जो √2 √2 की गुणा है वो सिद्धि होगी, इधर √2 और √3 की गुणा √6 होगी, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाया सिंपल। अब नीचे −8 और −ख़त्म करने के लिए −1 से ऊपर −1 से नीचे गुणा करके हमने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, sin 30° + tan 45° − cosec 60°। देखिए कुछ एक बुक्स में जो है 30° दिया हुआ है जो कि मिसप्रिंट है, जबकि कुछ एक नई एनसीईआरटी में 60° दिया हुआ है जो कि ठीक है। आपने 60° लेकर के सॉल्व करना है इसे, अपॉन sec 30° + cos 60° + cot 45°। sin 30° की वैल्यू है 1/2 प्लस tan 45° की वैल्यू है 1 −cosec 60°, cosec 60° की वैल्यू 2√3। sec 30° की वैल्यू 2√3 प्लस cos 60° की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 1। अब देखिए ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2√3 एलसीएम आ गया, तो यह होगा √3 + 2√3 4। 4 क्यों आएगा, देखिए
दो रूट तीन को रूट तीन से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4। इसी तरह से नीचे हर में एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 3। 2 रूट 3 को रूट तीन से डिवाइड करेंगे 2, 2 दूनी 4। 2 रूट 3 को 2 से डिवाइड करेंगे रूट तीन, रूट तीन को 1 से गुणा करेंगे रूट तीन प्लस 2 रूट 3। अब अंश में देखिए, यहाँ पर 1 रूट 3 और 2 रूट 3, 3 रूट 3 हो गई। ये सेम उसी तरह से कर लीजिए, एक्स प्लस 2x 3x होता है। इसी तरह से 1 रूट 3 और 2 रूट 3, 3 रूट 3 -4 बटे में 2 रूट 3। अब देखिए ये वाला पार्ट पलट के ऊपर चला जाएगा और ये 4 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3, ये भी 3 रूट 3 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल, ये होगा 3 रूट 3 -4 और ये 3 रूट 3 प्लस 4। अब नीचे हर का रूट खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे हर का। 3 रूट 3, ये प्लस का निशान है, इसको पलटेंगे और जो एक्सप्रेशन आई इससे गुणा और इसी से ही भाग करेंगे। अब देखिए ऊपर एक जैसी दो एक्सप्रेशन आ गई, 3 -10 इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 3 रूट 3 का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर। ऊपर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वेयर -2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर यानी 3 रूट 3 का स्क्वेयर -2 ए बी, ए और बी की जगह पर 4 प्लस बी स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर अपॉन 3 रूट 3 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9 और √3 का हो जाएगा 3, -4 का स्क्वेयर 16। 3 रूट 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 और √3 का 3, 9 * 3 = 27, -2 * 3 = 6 = 24, √3 और 4 का स्क्वेयर 16। और नीचे 9 * 3 = 27, 27 - 16 = 11 हो गए, और 27 + 16 = 43, -24 √3 / 11, ये आंसर आ गया इसका। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ रखने के बाद देखिए ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लें, नीचे वाले का अलग ले लें, ये एक जटिल भिन्न बन गई a/b / c/d टाइप की। तो इसको ऐसे हल करते हैं, a/b * d/c करके, यानी नीचे वाले को पलट के इसके साथ गुणा कर देते हैं, वही हमने किया है। तो हर से हर कैंसिल हो गया, उसके बाद इसमें हर का प्रमेयकरण करें और ये दो सूत्र लगा दें और ये सम का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 5वें पार्ट में दिया है 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45° बटे sin² 30° प्लस cos² 30°। तो यहाँ देखिए कि 5 cos 60° की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1/2 और इसका स्क्वेयर प्लस 4 sec 30° की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वेयर, माइनस टेंजेंट 45° की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वेयर हो जाएगा। अब sin² 30° sin 30 की वैल्यू 1/2 और फिर इसका स्क्वेयर प्लस cos² 30° cos 30° की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2 और इसका cos² है तो इसका स्क्वेयर कर देंगे।
पाँच गुणा एक बटे दो का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, एक बटे चार प्लस चार गुणा दो का स्क्वेयर हो गया चार और वर्गमूल तीन का स्क्वेयर हो गया तीन माइनस एक, ये एक बटे चार प्लस तीन बटे चार, तो ये पाँच बटे चार प्लस सोलह बटे तीन माइनस एक बटे में एक बटे चार प्लस तीन बटे चार, एलसीएम आ गया चार एक प्लस तीन। अब ऊपर सोल्व करेंगे इसको, चार और तीन का एलसीएम आएगा बारह, बारह को चार से भाग देंगे तीन, तीन पाँच पंद्रह प्लस बारह को तीन से भाग दिया चार, सोलह चौके चौंसठ और ये बारह को एक से बारह, बारह एक बारह और ये चार बटे चार। अब देखिए कि पंद्रह माइनस बारह तीन, तीन प्लस चौंसठ सड़सठ, सड़सठ बटे बारह और नीचे चार बटे चार एक आ गया, तो सड़सठ बटे बारह जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्नावली 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चार आंसर दिए हुए हैं, उनमें से एक सही विकल्प का जो है आपने चुनाव करना है और इसका औचित्य दीजिए, अर्थात कि इसको हमें सॉल्व करके हमें इसका आंसर चूज करना है। तो देखिए दो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है एक बटे रूट तीन और एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये ऊपर हो जाए दो बटे रूट तीन और नीचे एक प्लस एक बटे तीन, दो बटे रूट तीन और ये हो जाएगा तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन, दो बटे रूट तीन इंटू तीन बटे चार, तो दो एकम दो, दो दुनी चार और ये तीन बटे रूट तीन है, तो यह तीन को मैं लिख सकता हूँ रूट तीन गुणा रूट तीन और नीचे है रूट तीन गुणा दो, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा रूट तीन बटे दो। अब रूट तीन बटे दो इनमें से देखिए किसकी वैल्यू होती है, साइन साठ डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये साइन साठ डिग्री जो है इसका आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर पैंतालीस, टेंजेंट स्क्वायर पैंतालीस है तो टेंजेंट पैंतालीस की वैल्यू एक होती है, एक का स्क्वायर एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर पैंतालीस, टेंजेंट पैंतालीस की वैल्यू एक और फिर इसका स्क्वायर। तो देखिए ऊपर एक माइनस एक और नीचे एक प्लस एक दो, जीरो बटे समथिंग जीरो ही होता है। अब इनमें से जीरो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब आगे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए, तब सत्य है जबकि ए बराबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, यानी जो ऑप्शन में हमें वैल्यूज दे रखी है उनको वन बाय वन पुट करके देखेंगे। तो पहले ए की जगह जीरो डिग्री पुट करते हैं, साइन दो गुणा जीरो बराबर दो साइन जीरो, साइन ये भी जीरो डिग्री दो गुणा साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो क्या होता है जीरो, दो गुणा जीरो तो जीरो बराबर जीरो, तो ये सत्य है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पुट करते ही हमारा जो है आंसर सही आ जाता है, बाकी आप चाहें तो तीस पुट करके देखें, तीस दुनी साठ और साइन तीस, तो साइन तीस की एक बटे दो होती है, साइन साठ की रूट तीन बटे दो होती है,
तो रूट तीन बटे दो, दो गुणा एक बटे दो के बराबर नहीं होता। इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी आपको गलत ही मिलेंगे, इसलिए अपने औचित्य के अंदर यह चीज़ दे दें यहाँ पर कि a बराबर जीरो रखने पर। अब इसमें फोर्थ पार्ट जो है, दो टेंजेंट 30 डिग्री बटे एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, दो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, एक बटे रूट तीन, एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, एक बटे रूट तीन का स्क्वायर हो जाएगा, दो बटे रूट तीन बटे एक माइनस एक बटे तीन, दो बटे रूट तीन, तीन एक तीन में से एक है दो बटे तीन, दो बटे रूट तीन गुणा तीन बटे दो, दो से दो कैंसिल, और तीन को मैं लिखूँ रूट तीन गुणा रूट तीन बटे रूट तीन, ये है रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, आ जाएगा रूट तीन। रूट तीन में से किसकी वैल्यू है, टेंजेंट 60 डिग्री की, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब प्रश्न नंबर तीन, यदि टेंजेंट a प्लस बी बराबर रूट तीन और टेंजेंट a माइनस बी बराबर a कोटे रूट तीन हो, जहाँ जीरो इज लेस देन a प्लस बी विच इज लेस देन और इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू जो टोटल है वो दे रखे जीरो और 90 के बीच में है या 90 के बराबर है। तो यहाँ देखिए टेंजेंट a प्लस बी बराबर रूट तीन है, इसका अर्थ है ये क्या हमें दिया है, टेंजेंट a प्लस बी बराबर रूट तीन, रूट तीन की टेंजेंट की फॉर्म में वैल्यू देखिए टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, इसे समीकरण एक दे दीजिए। साथ ही तथा टेंजेंट a माइनस बी बराबर एक बटे रूट तीन, ये भी हमें दिया है, तो टेंजेंट a माइनस बी, राइट हैंड साइड को भी टेंजेंट के रूप में लिखेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो इसे समीकरण दो ले लेते हैं। अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, अगर जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, दो a बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर 90 डिग्री बटे दो अर्थात a बराबर 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री समीकरण एक में रख दें, a बराबर 45 डिग्री समीकरण एक में रखने पर ये होगा a प्लस बी बराबर 60, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से b आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो देखिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री जो है वो आंसर होगा।
अब प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये कथन जो है वो असत्य है। क्यों है? क्योंकि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, क्या ये पॉसिबल है कि साइन 90 डिग्री एक होता है, साइन 30 1/2 और ये √3/2, 1/2 और √3/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है? इसलिए ये क्या है, कह सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल साइन 90 इज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, एक उदाहरण दे के आप इसको इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब क्योंकि हम अपने 10th क्लास के लेवल पर सिर्फ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की बात करते हैं, उस केस में ये कथन जो है क्या है, सत्य है। क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो हम यहाँ कहते हैं कि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये कथन असत्य है। ये क्या है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है। आप चाहें तो ऊपर की तरह से उदाहरण दे सकते हैं कि कोस 0 डिग्री बराबर 1 है, कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 है, इसी तरह से आगे तक। फॉर एग्जाम्पल थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये कथन भी क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि साइन 0 डिग्री बराबर तो 0 होता है और कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, एक उदाहरण दे दीजिए बस काफ़ी है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये कथन सत्य है। क्योंकि टेंजेंट 0 डिग्री जो है वो क्या होता है, 0 होता है, और कोट 0 डिग्री 1/2 टेंजेंट 0 डिग्री, क्योंकि कोट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो 1/0 परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नावली 8.2 के हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस कॉर्नर पर सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा करके इसे सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास YouTube या ईमेल के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। और यहाँ पर एक शेयर का बटन भी होगा, उसे दबा करके इसे अपने WhatsApp, Facebook और YouTube पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।